हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शानवी ऑल स्टार फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो, क्योंकि आज मैं कोई 24 आवर चैलेंज करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ मेकिंग अ जायंट ओरियो बिस्किट, क्योंकि जो नॉर्मल साइज का ओरियो बिस्किट होता है आप सबको पता है वो इतना होता है, और हम लोग बनाने वाले हैं इतना बड़ा सा एक जायंट ओरियो बिस्किट। तो देखते हैं हमारा जो ओरियो बिस्किट है वो बन पाता है या फिर नहीं, और ये वीडियो होती है सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, जायंट ओरियो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए बहुत सारे ओरियो बिस्किट। सो 1 2 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के हमारे पास बहुत सारे ओरियो बिस्किट, और उसके बाद हम लोग को चाहिए थोड़ी सी और चीजें, तो उन सारी चीजों को मिलाया जाए। सो 1 2 3। सबसे पहले हम लोग को सारे पैकेट्स को ओपन करके इनकी क्रीम को अलग करके रख लेना है। ये मैंने छोटे छोटे वाले पैक लिए हैं बहुत सारे, तब इनको डाल देते हैं पैकेट के अंदर। तो मैंने लिया ये ओरियो वनीला फ्लेवर के। आपको ओरियो बिस्किट कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पर हो चुके हमारे इतने सारे ओरियो बिस्किट्स रेडी। तो अब हम लोग को जो काम करना है वो कर रहे हैं सारी क्रीम को सेपरेट। तो ये है मेरा वनीला फ्लेवर का ओरियो बिस्किट, उसे अब जल्दी जल्दी से रिमूव करते हैं। तो बिना बोले जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं काफी हो गई है, और ये है हमारे सारे के सारे ओरियो बिस्किट्स। तो अब हम लोग इन सारे बिस्किट्स को करना है ग्राइंड, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना एक बेस। तो यहाँ पर आ चुके हैं सारे ओरियो बिस्किट्स ग्राइंड होकर। तो अब हम लोग इसमें डालना है पाउडर शुगर। ओरियो बिस्किट्स पहले से ही मीठे होते हैं, इसे मैं थोड़ी सी डालूंगी। अब हम लोग कर देंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स। फिर आप देख सकते हैं जो ये बैटर बन रहा है कितना ज्यादा चॉकलेटी और क्रीमी सा बन रहा है। मिक्स 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 मिक्स। तो जो बैटर हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक बेकिंग सोडा, जो हम लोग इतना सा डालने वाले हैं ताकि हमारा जो केक है वो फूले ना। 1 टेबल स्पून घी और एक केक टिन, और हमारा जो ओरियो बिस्किट बनेगा इतना बड़े साइज का बनने वाला है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले करते हैं घी को स्प्रेड। अब डाल देते हैं हम लोग इसमें बेकिंग सोडा। तो अब इसे जल्दी से थोड़ा सा करते हैं मिक्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसकी मतलब कितना ज्यादा टेस्टी और एकदम चॉकलेटी सा लग रहा है। तो अब हम लोग इसे स्पून से एक बार कवर अप कर लेते हैं। अभी हम लोग को इसी तरीके से एक और बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो तो ये हो चुका है कम्प्लीटली टैप। तो अब हम लोग इसे बेक कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 minutes। सो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद जब ये बेक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली इतनी मेहनत के बाद ही हमारे दूसरे चांस का भी जो बैटर हो चुका है वो हो चुका है एकदम पहले की तरह रेडी। आप देख सकते हो मैंने इसे एक बार और बना लिया है, और ये हो चुका है फाइनली हमारा जो केक बेक। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना ज्यादा एकदम पतला सा जो ओरियो हो चुका है वो चुका है रेडी। यहाँ से हल्का थिक है, यहाँ से थिन है, और कितना ज्यादा जाइंट हो गया ये। तो अभी से ये इसी केक टिन में हम लोग बनाने वाले अपना सेकेंड। अब बार बार फ्रेंड्स, रेनी सीजन हो रहा है, हवा चल रही है, धूप आ रही 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 है। और आपका कौन सा बिस्किट फेवरेट है डू कमेंट डाउन। इसमें मैंने बेकिंग सोडा जो है वो डाल दिया है, बस अब हम लोग को सिंपली इसे केक टिन में डालना है। शुई, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का ये। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो हमारे सेकंड बैटर है वो
भी हो चुका है रेडी। तो अब हम लोग इसे करना है टैप 1 2 3 4 5 6 7 8 टैप 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 टैप। और अब हम लोग इसे कर देना है दोबारा 30 to 40 मिनट्स के बेक। तो अब मैं इसे बेक कर आती हूँ। बाय फ्रेंड्स, जब तक हमारे जो केक हो रहे हैं वो हो चुके वो रहे सेट और बेक, तब तक हम लोग रेडी कर लेते हैं अपनी व्हिपिंग क्रीम। उसके लिए बस मैंने लिए अपनी ओरियो बिस्किट की क्रीम जो कि काफ़ी निकल गई है वैसे बिस्किट के हिसाब से, और फिर मैंने लिया है मिल्क। अब हम लोग को करना है इसे विक्स विस्क। अब बस आपको लेना है बहुत तेज तेज से इसे मिक्स करना है इसे, और फिर हमारे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा वो होगा इस केक को डेकोरेट करना इस क्रीम से। और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही है दिखने में भी, और टेस्ट में तो अच्छी होगी ऑब्वियसली। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे दोनों बेसेस हो चुके हैं रेडी। यह हमारा फर्स्ट बेक जो सेट हो चुका है एकदम हार्ड सा, और यह है सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्रीम को स्प्रेड करना। फ्रेंड्स, फाइनली जो हमारी सारी क्रीम हो चुकी है स्प्रेड, तो अब अपने इस ओरियो के बेस को रख देते हैं। माय गॉड फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है इतना ज्यादा जाइंट सा ओरियो बिस्किट रेडी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है हमारा छोटू सा मिनिएचर ओरियो, और ये हमारा जाइंट सा बाहुबली ओरियो। इसकी तरह इसमें ओरियो लिख देंगे पाउडर शुगर से। तब लिख लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे कर लेंगे पाउडर शुगर से कवर। ओरियो बिस्किट रेडी। तो ये हमारा मिनिएचर ओरियो, और ये हमारा जाइंट सा बाहुबली ओरियो बिस्किट। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इन दोनों के साइज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये हमारा क्यूट सा मिनिएचर ओरियो, और ये हमारा बाहुबली सा जाइंट ओरियो बिस्किट। सो फ्रेंड्स, आप इस यम्मी से बाहुबली ओरियो को टेस्ट कर दे, टेस्ट में कैसा है। दिखने में तो वैसे ओरियो जैसा यम्मी यम्मी सही लग रहा है। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आप इसका साइज देख सकते हो, एकदम टेस्ट में वैसे ओरियो बिस्किट जैसा ही है। इसका और इसका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस ये ज्यादा क्रंची नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा जाइंट सा ओरियो बिस्किट कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।